देखिए बेटा, पहले हमने आपको लंबन विधि बताई थी, ठीक है ना। अब हम दूसरी विधि की जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर दो है परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि। परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि क्या होती है? परावर्तन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दसवीं क्लास में आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सरफेस या पृष्ठ पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। लेकिन परावर्तन का मतलब यह है कि टकरा करके वापस आनी चाहिए। अब जब हम किसी पहाड़ी या पर्वत के सामने खड़े हो, जो कि बड़ा अवरोधक कह सकते हैं, अवरोधक मतलब होता है रोकने वाला, उसके सामने जैसे कोई पहाड़ी है या पर्वत है, उसके सामने खड़े होकर के तेजी से ताली बजाएं, तो ताली की जो आवाज़ है वो पर्वत से या पहाड़ी से टकरा करके कुछ समय पश्चात हमें वापस सुनाई देगी, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हम किसी बड़े ठोस या अवरोध जैसे पर्वत या पहाड़ी के सामने खड़े होकर तेजी से ताली बजाएं तो ताली की ध्वनि अवरोध से टकराकर पुनः कुछ समय पश्चात हमें सुनाई देती है। यह घटना प्रतिध्वनि या परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि या परावर्तन कहलाती है। तो मैंने कहा, जब हम किसी बड़े ठोस या अवरोध जैसे पर्वत या पहाड़ी के सामने खड़े होकर तेजी से ताली बजाएं तो ताली की ध्वनि अवरोध से टकराकर उन्हें कुछ समय पश्चात हमें सुनाई देती है, यह घटना प्रतिध्वनि या परावर्तन कहलाती है। देखिए, वास्तव में कुछ तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों, ठीक है, परावैगनी तरंगों तथा रेडियो तरंगों का किसी अवरोध से परावर्तन के कारण टकराकर लौटना प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा, वास्तव में कुछ तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों, परावैगनी तरंगों तथा रेडियो तरंगों का किसी अवरोध या कोई भी ठोस है जैसे पहाड़ी या पर्वत है से परावर्तन के कारण टकराकर लौटना प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जैसे हमने इस तरीके से ताली बजाई, तो ताली हमारी बजने के बाद काफी तेजी से ताली बजाई और पहाड़ी से टकरा करके वापस हमें पुनः सुनाई दी, तो वो घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन या प्रतिध्वनि कहलाएगी। तो वही चीज है, इसमें ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है, ठीक है, बैगनी तरंगों का होता है, रेडियो तरंगों का भी आसानी से परावर्तन संभव है। तो ये जो तरंगे हैं वो टकरा करके वापस लौट आती हैं, तो ये क्या कहलाती है?
परावर्तन संभव है इसका, ठीक है ना। जैसे देखिए अब ये कोई ये पहाड़ी अवरोध ले लिया हमने, यहां पर ले लिया हमने, ये ले लिया हमने पहाड़ी, या कोई अवरोध ले लिया इसमें, ठीक है। अब यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ह्यूमन कोई व्यक्ति है। अब यहां से वो ताली बजाता है तो उसकी आवाज यहां से जाती है, ठीक है, और इसको समय लगता है यहां से यहां तक पहुंचने में टी वाई टू का, और वापस इसको लौटने में फिर कितना समय लग जाता है, टी वाई टू का, यहां से तो ये टी वाई टू का फिर समय लगता है पूरा, तो यहां से यहां तक जाने में टी वाई टू और वापस लौटने में टी वाई टू, तो पूरा समय कितना लगा, स्मॉल टी, मतलब पहुंचने में और वापस आने में कितना समय लगा, स्मॉल टी। और यहां से इसकी जो दूरी ले रहे हैं हम, कितनी दूरी तय की इसने टी वाई टू समय में, स्मॉल एक्स दूरी तय की, और तरंग की जो चाल है वो क्या है, वी है। यहां पर यदि ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस स्मॉल टी समय में व्यक्ति तक पहुंचती है तथा ध्वनि की चाल v हो, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी है आपकी, v है, दूरी कितनी यहां से यहां तक, x है, और समय कितना है पहुंचने में, t by 2। तो यहां से दूरी जो हो गई, वो दूरी यहां से निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, b into t by 2। अगर दूरी पूछता है कि इस व्यक्ति से इस पहाड़ी की दूरी क्या है, अवरोध की दूरी क्या है, तो x बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, तो v इंटू टी बाई टू, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में टी बाई टू समय लगा और वापस लौटने में टी बाई टू समय लगा, तो टोटल समय कितना हो गया, टी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x, ठीक है। अब यहां से मैं लिखा, यदि ध्वनि की अवरोध से टकराकर वापस स्मॉल टी समय व्यक्ति तक पहुंचती है तथा ध्वनि की चाल v हो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हो गई v और दूरी हो गई x, बटे कितना हो गया, टी बाई टू, तो x बराबर क्या हो गया, यहां से v इंटू टी बाई टू, तो ये दूरी इतनी हो गई यहां से यहां तक। देखिए हमने जो पाठ्य पुस्तक है उससे कुछ प्रश्न ले लिए हैं, हमने ये पहला प्रश्न ले लिया इसका, ठीक है, बीच बीच में हम क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया, अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए पार्ट है इसका, किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन .. मीटर क्यूब के बराबर है। कहने का मतलब है मैं यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, तो किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन .. मीटर क्यूब के बराबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ से सॉल्व लिख दिया सॉल्यूशन मैंने, ठीक है, घन की भुजा यहाँ से लिख दिया मैंने, घन की भुजा को हम एल से लेते हैं, एल मान लिया हमने, तो एल बराबर कितना दे दिया, यहाँ से एक सेंटीमीटर दे रखा है इसको, ठीक है, एक सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए तो 100 का भाग लगा दीजिए तो एक बटे कितना हो गया 100, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10^-2, इतना मीटर बन गया ये, ठीक है ना। तो घन की भुजा एल बराबर कितना हो गया, एक सेंटीमीटर बराबर 1/100 = 10^-2 मीटर, ये तो घन की एक भुजा मीटर में आ गई। अब घन का आयतन लेंगे, घन का आयतन बराबर होता है एल की पावर क्यू, मतलब घन की भुजा की घात 3, तो यहां से घात 3 कर दो इसकी, तो 10^-2 मीटर लिखा हुआ है और यहां पर घात 3 कर दीजिए इसकी, पूरे के पूरे करना है इसको पूरे को, तो यहां से कितना हो गया, ये 6 बार हो जाएगा इससे, तो 10^-6 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है, तो घन की भुजा एल बराबर 1 cm = 1/100 बराबर ऊपर ले जाएंगे 10^-2 मीटर, और घन का आयतन बराबर एल क्यूब भुजा की घात 3,
बराबर। अब ये भुजा आ गई आपकी 10^-2 मीटर, तो यहाँ लगा दिया, और घात कितनी है, ये 3 है, तो 3 चढ़ा दी। अब ये 3 बार गुणा कर लो इसका, तो 3 बार गुणा करेंगे तो कितने बार होगा ये 10^-6 मीटर की हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट आता है। अब बी पार्ट में क्या है, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल .. मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ये पूछ रहा है। तो किसी जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ये पूछा गया है यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, देखिए क्या होगा। सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr और ब्रैकेट में r + h, ये होता है, ठीक है ना। तो यहां से सिलेंडर की त्रिज्या, यहां से सिलेंडर की त्रिज्या ले ले, सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी यहां पर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब यहां से 2×10^2 कितनी होगी माइनस सेंटीमीटर का मतलब है, इसको और ले लीजिए, मिलीमीटर में पूछा है ना इसका, तो चलो इतना ही रहने दो अभी, तो यहाँ पर फिर आगे कर लेंगे इसको। और ऊंचाई कितनी है सिलेंडर की, ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से h बराबर दे रखा है, h बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, इसमें रखना है आपको इस सूत्र में। तो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π का मतलब है 3.14, देखिए यहाँ से 2π और r का मतलब है 2, ठीक है ना। अभी सेंटीमीटर में निकालना है हम, 2+10 हो जाएगा ये, ठीक है, इतना हुआ अभी। तो ये देखिए 2 तो 2 लगा दिया, पाई का मतलब 3.14, r का मतलब है 2 लग गया, ब्रैकेट में r का मतलब 2+h का मतलब 10, ये बना अभी। अभी हम ऊपर इसको और लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा इसका। यहां तक मैं तो इसकी थ्योरी को इरेज कर देता हूं, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है इसका मान, ठीक है। तो यहां से बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा करो यहां से, 12.56 हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा यहां से 12, ये हो जाएगा, तो इसका गुणा कर दो तो कितना होगा, देखिए यह आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें किसमें कैलकुलेट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है इसको, ठीक है। इसमें ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए बराबर 150 × 7.2। अब देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 mm, इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो 10^100 और mm स्क्वायर, ये बना, ठीक है। तो इतने का गुणा कर दो इसमें, तो 100 mm स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 150 × 7.2, 10 वाला बढ़ जाएगा 100 से, तो मिलीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर आएगा 15072 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 mm का स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखिए क्या होगा, mm स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो ये पूरी संख्या मैंने यहाँ ले ली, इसको हटा दिया, तो इसकी जगह क्या लगा दिया, ये लगा दिया मान, देखो मैंने, ठीक है। तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है 100 mm स्क्वायर, तो 150.72 में 100 का गुणा कर दिया, तो 15072 mm स्क्वायर, ये इसका मान बन गया, मिलीमीटर स्क्वायर में इसका ही मान आया, ठीक है ना। ये आपके 2 पार्ट हुए पहले क्वेश्चन के, देखिए सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 1 सेकंड में .. कितने मीटर चलेगी। कहने का मतलब है उसकी चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। यहाँ पर किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है इसकी, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं।
तो गाड़ी की, यहां लिखते हैं गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल v बराबर कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो v बराबर 18 तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए कि एक किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, ठीक है, और 1 आवर बराबर होता 3600 सेकंड, ये पता होना चाहिए आपको। अगर एक और चीज मैं शॉर्ट बता देता हूं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, एक किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, एक घंटे बराबर कितने सेकंड 3600 सेकंड। अब यहां पर ले लीजिए आप, तो गाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो v बराबर यहां से कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है ना। तो 18 को तो 18 रहने दीजिए, किलोमीटर को कितना कर दीजिए 1000 मीटर बन गया ये, ठीक है, किलोमीटर की जगह पर, और ये कितना हो गया 3600 सेकंड, ठीक है। अब आप काटिए यहां से, देखिए 1 0 से ये 0, 2 0 कट गए यहां पर, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये बचा आपका 18 × 10 / कितना रह गया 36, और पीछे रह गया मीटर पर सेकंड। अब काटेंगे 18 × 36, 18 से 36 को काट दिया 2 बार, अब 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार, तो v बराबर कितना आ गया यहां से 5 मीटर पर सेकंड, आंसर कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। अब मैंने एक बात बोली थी आपसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। अब मैं ऊपर से इस क्वेश्चन को हटा देता हूं और उसको शॉर्ट रूप में बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए v बराबर कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 ये हो गया, और 5/18 से गुणा कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, देखिए तो 18 से 18 कर दिया तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। या तो ऐसे कर सकते हैं और माने, अथवा मैंने ये पूरा इस तरीके से करके बता दिया आपको, और 5/18 से गुणा करके भी आंसर वही आएगा, तो आंसर आपका ये हो गया और आंसर आपका ये हो गया, जो मैंने खोल के बता दिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड, तो किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लगा दिया और एच की जगह पर 3600 सेकंड लगा करके इसको काट करके 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया। तो इस तरीके से, और या फिर हम लिख सकते हैं b बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 से 18 कट गया तो 5 मीटर पर सेकंड इसका ये आंसर आ गया। तो इसके पहले सवाल के 3 पार्ट हो चुके हैं अभी तक। देखिए सीसा है, सीसा जानते हैं पीवी, सीसे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, ठीक है, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसका घनत्व पूछा है। अभी अपेक्षित घनत्व और घनत्व दोनों में डिफरेंस होता है, तो अपेक्षित घनत्व का तो कोई यूनिट है नहीं, तो 11.3 दे रखी है। इसका घनत्व किसमें पूछा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा गया है। तो यहां से सीसे का घनत्व निकालना है हमें, सीसे का घनत्व, ये जल पे निकलता है हमेशा, सीसे का घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व गुणा जल का घनत्व, ठीक है। पहले ये सीजीएस पद्धति है ये, और यहां पर ये जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति में, पहले सीजीएस पद्धति में पूछा है ग्राम और सेंटीमीटर में, ये सीजीएस पद्धति है, फिर किलोग्राम मीटर की हुई एमकेएस पद्धति है, तो ये दोनों में पूछा है, ठीक है ना। चूंकि जल का घनत्व सीजीएस पद्धति में बताता हूं मैं, जल का घनत्व बराबर होता है 1 g/cm³ की हुई होता है, सीजीएस पद्धति में होता है, ये किसमें होता है, ये सीजीएस में, यहां लिख देता हूं सीजीएस, ठीक है। एमकेएस में बताते हैं 1 × 10³ ये होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एमकेएस में होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए सीसे का घनत्व निकालना है, तो यहां से सीसे
का घनत्व, ये याद रखेंगे आप इस चीज को दोनों को, तो एमकेएस में तो ये होता है नीचे वाला और सीजीएस में ऊपर वाला होता है। तो यहाँ से सीसे का घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व दे रखा 11.3, ठीक है, और जल का घनत्व सीजीएस में निकालने सबसे पहले हम, क्योंकि ये सीजीएस में पूछा है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस पद्धति में आ गया, ठीक है। अब हमें एमकेएस में निकालना है, तो एमकेएस में यहां से निकालते हैं, देखिए, तो सीसे का घनत्व, सीसे का घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना है आपका 11.3 है, तो 11.3 गुणा ये कितना है 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो गया 11.3 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एमकेएस पद्धति में आ गया और ये सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस में कितना आ गया इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एमकेएस में कितना आ गया, सीसे का घनत्व बराबर 11.3 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो एमकेएस में आ गया और ये सीजीएस में आ गया, तो दोनों पद्धतियों में इसके मान आ गए, ठीक है ना। तो ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, तो ये चारों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है ना।